दोस्तों, कल जैसे कि मार्केट का वीकली एक्सपायरी है और ये वीकली एक्सपायरी में मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है या फिर 16,000 के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकता है। ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सपायरी में मार्केट कहाँ पे क्लोज हो सकता है ऑप्शन चेन के साथ। सेकंड, कि कल जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए थे और जैसे बताए थे कि कैसे ट्रेडिंग होगा, वहां पे परफेक्ट 100% हो गया। वो कैसे हो गया मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्केट डेली व्यू में कि 8 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोज है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आने वाले सैटरडे यानी 10 तारीख को हमारा एक फ्री वेबिनार है फ्यूचर और ऑप्शन के लिए। जिनको भी ज्वाइन करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां पे आप रजिस्टर कीजिए और सैटरडे 7 बजे मेरे साथ फ्री वेबिनार कीजिए और फ्यूचर ऑप्शन सीखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। 61 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 192। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। कल भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव है और उसका रीजन भी है, जैसे कि रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा है और बैंक निफ्टी के स्टॉक थोड़ा अच्छे तरह परफॉर्म कर रहे हैं। कल हमने मार्केट के बारे में क्या डिस्कशन किया था और आज मार्केट कैसे हो गया हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया था कल, जैसे कि एक सेलअप आया था, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो एक नेगेटिव था। मार्केट उसके नीचे जाके भी आ गया, लेकिन आज अच्छा कैंडल मार्केट ने एक क्लोज दिया है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये जो 15,700 टू 15,900 या एक रेंज में मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेवल करेगा और बाद में ऊपर वाला लेवल ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छी तरह कर सकता है। जैसे कि मार्केट जो है कि पहले भी यहाँ से ट्रेवल करके आया, तो इमिडिएटली ब्रेक नहीं करे और यहाँ पे रेस्ट करके करे तो भी चलेगा। कल जैसे कि वीकली ए भी है, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में भी शायद ये साइडवेज रह गया तो भी चलेगा, उसके बाद ब्रेक करता है तो भी चलेगा। या कल अगर जो ऑल टाइम है 15,916 ए लेवल है, ए ब्रेक करता है तो मोस्टली मार्केट ये जो है कि 16K का जो लेवल है ये छू सकता है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल बुलिश है। मैंने कहा था कि कैंडल के नीचे अगर क्लोज नहीं देता तो बहुत ही अच्छा है, और वो दिया भी नहीं और बहुत ही हाई अपडेट है के आसपास इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। जैसे हमने डिस्कशन किया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी मोस्टली वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अभी हमको कल के लिए देखेंगे 15,774, ये जो मैंने आपको लेवल बताया था ये लेवल कल के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा। ऊपर 15,916 का ये लेवल यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंस रहेगा। ऑप्शन चेन के ऊपर हम लोग जाके देखेंगे कि कल के लिए कौन से लेवल्स हो गए जहाँ पे पोजीशन बने हुए हैं, तो हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखते हैं। दोस्तों, हम लोग ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं 8 जुलाई को एक्सपायर होने वाला वीकली ऑप्शन चेन। यहाँ पे हम लोग नीचे जाके देखते हैं कि कॉल और पुट में, तो हम लोग एटीएम कॉल के पास पहले जाते हैं। तो कॉल के साइड में हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस कौन सा है और पुट के साइड में सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं कॉल में जाकर के देखता हूँ तो लगभग यहाँ पे देखिए कि 16,000 के आसपास अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, ये जो है कि 90,000 का है, सबसे हाईएस्ट है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, बट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट यहाँ से सबसे ज्यादा है, यानी कि 16,000 कल मोस्टली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा या इसके अंदर मार्केट क्लोज हो सकता है अगर जो है कि कॉल राइटर के यहाँ पे पोजिशन रहेंगे। सपोर्ट के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 15,800, यहाँ पे 85,000 जो है कि पुट राइट हो गए, यानी कि उसके ऊपर ही मार्केट जो है कि एक्सपायरी होना चाहिए। कल का रेंज बहुत अच्छा और नैरो भी है, यानी कि खाली 200 पॉइंट का, 16,000 और 15,800, तो ये दो रेंज है, इसके बीच में मार्केट क्लोज होना चाहिए एज पर जो है कि अपना ऑप्शन चेन का थ्योरी। बट ये लेवल भी कभी कभी ब्रेक होते हैं, अगर ब्रेक हो गए तो बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे के लिए लेवल्स निफ्टी में, तो हमको जो है कि दूर वाले लेवल पता चल गए कि क्या है ऑप्शन चेन के ऊपर। अभी हम लोग 5 मिनट में देखेंगे कि क्या लेवल्स है। तो
तो 5 मिनट में हमारे जो दो लेवल है उसके अंदर जो है कि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। कल डेली का लेवल है 15893, इसके ऊपर जाता है यहाँ पे बाई कर सकते हो। सेलिंग के लिए नजदीक वाला लेवल 15871 है, 5 मिनट का लेवल है, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइड मुझे दिख रहा है, लेकिन आप लेवल के ऊपर ट्रेड करो। दोस्तों जैसा कि कल मैंने बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया था, तो क्या प्रेडिक्शन किया था ये मैं आपको चाहिए तो बता भी सकता हूँ, तो आप देख लीजिए एक छोटा सा क्लिप में भी। अगर कल बैंक निफ्टी में बाई करना है तो ये लेवल रहेगा, और 35784 के ऊपर ही बाई करना पड़ेगा। सेलिंग के लिए ये जो 35451 ये लेवल है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन जो गया था, मैंने डेली में दिखाया था, वो ट्रेंड लाइन वो लाइन भी साथ में जा रहा है, इसके नीचे अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हो। कभी ऐसे भी होगा थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, इसके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता तो ये रिटेस होगा, वहां पे बाय कर सकते हो। अगर गैप टॉप खुलेगा तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस आएगा, तो ये भी आपको देखना है। और हम लोग अभी आते हैं कि बैंक निफ्टी जैसे कि ये 35784 ये लेवल के आसपास टच किया, यहाँ पे स्ट्रिप रुक गया, लेकिन हाई ऑफ द डे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, मैं फुल स्क्रीन पे बताता हूँ कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट किया था जो अप ट्रेंड का था, और यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिट्रेस भी किया है, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी बहुत ही यहाँ पे पॉजिटिव है। कल 15784 के ऊपर अगर 15 मिनट्स का कैंडल भी यहाँ पे क्लोज होता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। नेक्स्ट मेरा जो लेवल है यहाँ पे 36488 का है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग एक बीच में वाला लेवल जो है कि मिडल ऑफ द ए लेवल लेंगे, वो होगा 36098 ए लेवल। तो यहाँ पे ऑलवेज 35784 के ऊपर एक बहुत बड़ा जंप यहाँ पे आ सकता है। नीचे हमको सपोर्ट वही रखना है जैसे कि मैंने कल भी आपको दिया था, 35530 का सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हो। आज उसके नीचे भी गया था लेकिन उसको फिर से ऊपर गया, तो ये लेवल कल भी हमारे लिए चलेगा। और ये ट्रेंड लाइन का लो ये जो है, तो नजदीक वाला मैंने सपोर्ट बताया आपको, ये रेसिस्टेंस बताया, ऊपर के लेवल भी हमने देखे हैं। तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे का लेवल हमको देखना है, तो इंट्राडे के 5 मिनट में जाते हैं। और कुछ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम लोग कल क्या सोच रहे थे, जैसे कि मैंने आपको क्लिप में बताया था कल के, कि मैंने कहा था कि ये लेवल के ऊपर बाय और ये लेवल के नीचे सेल, लेकिन ये लेवल मैंने वो भी बताया था आपको कि मार्केट यहाँ पे आएगा और ये ट्रेंड लाइन गया है जो ब्लू कलर का, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये फिर से रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, तो एग्जैक्टली गया है। और ये जो गया ये दूर था, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, ये भी मैंने कहा था। तो देखिए कि हम लोग कभी कभी प्रिडिक्शन करते हैं, बहुत अच्छा चलता है, अगर आपने प्रिडिक्शन के हुआ हिसाब से चलता तो अच्छा ट्रेड लेने के लिए भी मिलता है, इसलिए ऑलवेज मार्केट को यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है। कल के लिए मार्केट 35784 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन होता है तो आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे, तो मैं सेलिंग के लिए 35530 के नीचे ही सेल दूंगा, तो यहाँ पे कल बाइंग का मौका ज्यादा देखना चाहिए। दोस्तों हम लोग कुछ इंटरडे के लिए स्टॉक देखे थे जैसे कि HDFC बैंक, तो यहाँ पे ये आखिर में थोड़ा सा ऊपर गया, इतना वर्क नहीं हुआ, बारह दिन सेल के लिए दिया था तो ये सेल का वर्क हुआ है। सन फार्मा मैंने सेल को ले दिया था, लेकिन देखिए कि सन फार्मा नीचे ओपन होने के बाद ऊपर गया, तो अगर मैं आप इंट्राडे में देखूँ तो अपने इनिशिएट नहीं होता था ट्रेड, ये ट्रेड नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया नहीं, जैसा मैंने आपको कहा था, तो ये लेवल को रिस्पेक्ट तो किया उसने, लेकिन ये ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखेंगे, तो फर्स्ट स्टॉक है मेरा ICICI बैंक, ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल रेसिस्टेंस है, वहाँ पे खड़ा है जो है लेवल 655, 655 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट हम लोग रखेंगे 664 का। नेक्स्ट जो है कि BPCL, यहाँ पे मैंने BPCL को क्यों एक किया है, यहाँ पे देखो एक गैप था, गैप नीचे गैप फिलअप किया और वहां पे BPCL ने एक हैमर कैंडल बनाया। कल BPCL में 462 के ऊपर अगर जाता है तो बाइंग कर सकते हो, 468 का टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो है टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स में एक फंडामेंटल न्यूज आने के बाद ये देखो कि एक गिरा था जोर से, और गिरने के बाद ये सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे जो है कि उसने आज हैमर कैंडल बनाया, जिसको हम लोग डेड कैट बाउंस बोलते हैं, तो यहाँ पे डेड कैट बाउंस आया है और यहाँ पे थोड़ा सा एक मोमेंटम आ सकता है ऊपर वाला, तो ऊपर 319 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। पहला यहाँ पे टारगेट
आप लोग रख सकते यहाँ पे, थोड़ा आप लोग नीचे का टारगेट लेंगे, 330 का पहला टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल स्टॉक ऐसे ही चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको मेरे साथ लाइव फ्यूचर और ऑप्शन सीखना है, 2 घंटा मेरे साथ फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखना है, तो आप मेरे साथ सीख सकते हो। आने वाले सैटरडे को 7 बजे मैं फ्यूचर और ऑप्शन का वेबिनार ले रहा हूँ। जिनको भी ये वेबिनार में इंटरेस्ट रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक देता हूँ, वहां पे आप रजिस्टर करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।